आईपीएल से पहले लखनऊ की टीम में हो गई वेस्टइंडीज के ऐसे गेंदबाज की एंट्री जो अकेले पलट देता है बाजी। कभी करता था सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, क्रिकेट में थी रुचि, भाग्य ने दिया साथ, वेस्टइंडीज टीम में मारा एंट्री और फिर ऑस्ट्रेलिया वालों की कमर तोड़ कर रख दी। चमक गया युवा सितारा, विकेट लेने के बाद ग्राउंड पर स्टंट मारता है, अंगूठा जख्मी था फिर भी ऑस्ट्रेलिया टीम को पिंक बॉल टेस्ट में हरा दिया और वेस्टइंडीज ऐसा करने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रचती। अब इस धाकड़ गेंदबाज की लखनऊ की टीम में हो गई एंट्री अब विरोधियों की खैर नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपनी गेंदबाजी से सनसनी मचाने वाले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज समार जोसेफ की इंडियन प्रीमियर लीग में एंट्री हो गई है। समार जोसेफ को केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में अपने साथ जोड़ा गया है। लखनऊ की टीम ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड की जगह समार को रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया है। समार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज में अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया था। बता दें कि समार जोसेफ यूयाना के एक छोटे से शहर सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते थे। हालांकि क्रिकेट में रुचि थी और उन्हें वेस्टइंडीज की टीम में आसानी से जगह मिल गई। समार को वेस्टइंडीज दौरे पर टीम में जगह मिली और वहां पर वो अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से छा गए, खास तौर से दूसरे टेस्ट में जो कि पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच था और इस मैच में समार चमत्कारी गेंदबाजी से बाजी को पूरी तरीके से पलट दिए। समार ने दूसरी पारी में अकेले 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को ऐसा जख्म दिया जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। समार की ऐतिहासिक गेंदबाजी से वेस्टइंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया को पिंक बॉल टेस्ट में हराने वाली पहली टीम बनी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर समार जोसेफ ने 2 टेस्ट मैच में कुल 13 विकेट अपने नाम किए। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया, वहीं अब उन्हें आईपीएल में भी मौका मिल गया है। समार जोसेफ बेशक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपना कमाल दिखाए हैं, लेकिन T20 में उन्हें सिर्फ 2 मैच खेलने का अनुभव है। सिर्फ इतना ही नहीं, समार T20 के एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कहीं ना कहीं समार जोसेफ को अपनी टीम में शामिल कर एक बड़ा दांव खेल रही है।